डियर स्टूडेंट, गायत्री स्कूल के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है आपका। और आज हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ाएंगे, ऊंचाई दूरी। तो इसमें आपको ये देखना है कि संख्या पढ़ पढ़ के हम चित्र कैसे बना रहे हैं। जैसे कोई लंबवत है, मान लो कोई दीवार है या मीनार है, तो वो लंबवत होती है और क्षैतिज होता है ये। तो यहाँ देखो, ये है ना, ये नीचे से जब ऊपर देखते हैं हम, तो इसको उन्नयन कोण बोलते हैं, उन्नयन कोण। और जब हम है ना ऊपर से नीचे देखते हैं यहाँ पे, तो ये अवनमन कोण होता है। तो आपको एक तो याद रखना है ये कि छत से हम मान लो नीचे की साइड देख रहे हैं तो अवनमन कोण होता है, और नीचे से छत की साइड ऊपर देख रहे हैं तो उन्नयन कोण होता है। नीचे से ऊपर देखने पर उन्नयन कोण, ऊपर से नीचे देखने पर अवनमन कोण होता है। और अवनमन कोण है ना, ये उन्नयन कोण के बराबर होता है, क्योंकि ये और ये है ना समानांतर है, तो ये एकांतर कोण है। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ पे पहला यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, उदाहरण एक, उदाहरण चार से स्टार्ट कर रहे हैं हम। चौथे उदाहरण से इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं कि इसमें एक तो चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां ये उदाहरण अच्छे हैं, और फिर एक्सरसाइज के दो चार सवाल। तो यहाँ देखिए, ये कह रहा है, चौथा उदाहरण है, 100 मीटर चौड़ी नदी के मध्य में एक टापू है। देखो, 100 मीटर चौड़ी ये नदी है, यहाँ से यहाँ तक ये 100 मीटर है, ये 100 मीटर चौड़ी ए बी नदी है, इसके दोनों किनारे ये, और बीच में जैसे नदी में बीच में मिट्टी आ जाती है तो टापू हो जाता है। तो टापू यहाँ है, ये यहाँ पे एक पेड़ उग के आ गया है। ठीक है, 100 मीटर चौड़ी नदी के बीच में टापू है, और ये है ना, ये पी क्यू दे रखा है किनारे, और इस पे जो पेड़ है, टापू पे जो पेड़ है, ये कह रहा है 100 मीटर चौड़ी नदी के मध्य में एक टापू है। इस टापू पर एक वृक्ष है, नदी के विपरीत किनारों से दोनों ओर पी क्यू बिंदुओं से वृक्ष पर तीनों एक ही उसमें, ये है ना, ये पी और क्यू और ये टापू, ये टी, ये वृक्ष तीनों एक ही क्षैतिज रेखा में है। तो ये कह रहा है, यदि पी और क्यू से वृक्ष की चोटी के उन्नयन कोण 30 और 45 हों, जैसे पी से 30 है उन्नयन कोण। तो देखो भाई, अगर कोण छोटा होता है तो दूरी ज़्यादा होती है, तो ये यहाँ से है 30, और क्यू से है ना ये उन्नयन कोण 45 है, और ये यहाँ पे है ना ये वृक्ष है, ट्री मीन्स पेड़, ये वृक्ष है, और यहाँ से यहाँ तक है ना ये 100 मीटर है नदी। मान लिया हमने ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी x मान ली, तो ये हो जाएगा कितना, 100 माइनस x। तो ये कह रहा है पेड़ की ऊंचाई, वृक्ष की ऊंचाई बताओ, ये ऊंचाई पूछी है उसने, ये h ये क्या होगा। एक बार फिर देख लो, वो ये कह रहा है एक नदी है जिसकी चौड़ाई पी क्यू है, उसके बीच में कहीं पे टापू है, टापू का मतलब मिट्टी इकट्ठी हो गई है, उस पर एक वृक्ष उग के आ गया है। तो वृक्ष के शिखर का एक किनारे से कोण 30 है और दूसरे किनारे से कोण 45 है, तो ये कह रहा है इस वृक्ष की ऊंचाई बताओ, और इसको आप एस मान लो। तो यहाँ देखो, हमें निकलवाया क्या, वृक्ष की ऊंचाई, तो हम वृक्ष की ऊंचाई को टी वो मानना है, एच माना, वृक्ष की ऊंचाई जो हमें निकलवाते हैं उसको ही हम सबसे पहले लिखते हैं, ये है ना एच मीटर है वृक्ष की ऊंचाई। अब आप पहले एक बार ये वाला त्रिभुज लेंगे फर्स्ट, और फिर लेंगे सेकंड। तो त्रिभुज पी टी एस में, त्रिभुज पी टी एस में देखो, यहाँ से देखो, टेन 30 बराबर एच बटे एक्स, टेन 30 बराबर लंब बटे आधार, टेन होता है लंब बटे आधार, यहाँ देख लो लाल बटे कक्का से, ये आपको मालूम होना चाहिए
टेन हो, ये साइन होता है लंबवटीकरण, कॉस होता है आधार वटीकरण, टेन होता है लंबवटी आधार, कॉट होता है आधार बटी लंब, और सेक होता है कर्ण बटी आधार, कोसेक होता है कर्ण बटी लंब। तो ये टेन होता है लंब बटी आधार, और टेन तीस का मान होता है एक बटे अंडर रूट तीन, और लंब यहाँ पे एच है और आधार एक्स है, तो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स बराबर आएगा अंडर रूट तीन एच। ये पहला समीकरण बन के तैयार हो गया, ठीक है। अब दूसरा त्रिभुज लेंगे हम, त्रिभुज क्यू टी एस में, तो त्रिभुज क्यू टी एस में यहाँ भी देख लो, टेन पैंतालीस बराबर एच बटे सौ माइनस एक्स, तो टेन पैंतालीस बराबर एच बटे ये सौ माइनस एक्स होगा, क्यों, टेन पैंतालीस बराबर लंब बटे आधार, तो टेन पैंतालीस का मान एक, तो एच बटे सौ माइनस एक्स, और इसका ऐसे ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा सौ एच इक्वल्स टू सौ माइनस एक्स, ये आया दूसरा समीकरण। अब यहाँ से देखिए, समीकरण एक से हमने कहा था पहले समीकरण से मान उठा के दूसरे में लगा दो, समीकरण एक से दो में मान रखने पर, समीकरण एक से दो में मान रखने पर, तो एक से दो में मान रखेंगे तो x का लगा देंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा h इक्वल्स टू सौ माइनस एक्स है, तो यहाँ x की जगह अंडर रूट तीन एच यहाँ लगा देंगे, तो ये हो जाएगा h और सौ माइनस अंडर रूट थ्री एच, और इसको इधर ले आएंगे h को तो प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट थ्री एच प्लस एच बराबर सौ, और इसमें से हमने h कॉमन लिया तो ये हो जाएगा अंडर रूट तीन प्लस एक बराबर सौ, और फिर इसके बाद में ये इसका इधर डिवाइड कर दो, इसका इसमें डिवाइड कर देंगे तो h बराबर हो जाएगा 100 बटे अंडर रूट थ्री प्लस वन। अब हर का प्रमेयीकरण करेंगे, तो हर का प्रमेयीकरण करेंगे तो माइनस वाले से गुणा कर देंगे, अंडर रूट तीन माइनस एक से गुणा करेंगे, तो अंडर रूट तीन माइनस एक से गुणा करेंगे तो यहाँ देखो ये आएगा 100, अंडर रूट तीन का मान दे रखा होगा तो लगाना है, नहीं दे रखा है तो नहीं लगाना है, तो इसमें अंडर रूट तीन का मान हमें नहीं दिया है, पर तुम लगा दो अंडर रूट तीन का मान एक दशमलव सात तीन दो होता है माइनस एक बटे ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आएगा सौ, और एक इसमें से घटाएंगे तो ये आएगा और बटे दो, दो से इसको काट दिया हमने कितने बार, पचास, अब इसका गुणा कर दो इधर, तो पाँच का गुणा करेंगे, पाँच दूनी दस, हाँ से ले एक, पाँच थी पंद्रह सोलह, हाँ से ले एक, पाँच सत्ते पैंतीस और एक छत्तीस, और ये एक पॉइंट यहाँ आ जाएगा इससे, तो पीछे से दो पे पॉइंट लगाना, तो ये आएगा, ये आया हमारा क्या, वृक्ष की ऊंचाई, यहाँ लिख दो अतः वृक्ष की ऊंचाई बराबर 36.60 मीटर, ऐसे आपको ये क्वेश्चन करना है, ठीक है ना। तो अब इसके बाद इसका उदाहरण पांच देखिए, सारे क्वेश्चन ऐसे ही होंगे, तो मैंने आपको बताया था इसमें आपको संख्या पढ़ पढ़ के सबसे पहले तो आपको चित्र बनाना आना चाहिए, चित्र बनाना आ जाए तो दो समीकरण बनते हैं, एक समीकरण का मान उठा के दूसरे में लगाते हैं और जो चीज़ पूछी है उसको पहले मानते हैं। तो अब इसके बाद ये क्वेश्चन है, ये है ना उदाहरण पाँच है, इसमें मैं इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, क्योंकि ये चार पाँच छः सात ये उदाहरण भी आ जाते हैं, और उसके बाद में वो एक्सरसाइज के सवाल दो चार जो आते हैं वो भी बता दूंगा। तो ये कह रहा है एक कार एक सीधी सड़क पर चल रही है, देखो ये सीधी सड़क है, इस पर एक कार चल रही है,
मीनार की ओर जाती हुई मीनार से 500 मीटर दूरी पर कार के ड्राइवर ने मीनार के शिखर का निरीक्षण 30 देखा। देखो यहाँ से देखो ये मीनार है यहाँ और कार यहाँ चल रही है, तो यहाँ से उसने शिखर का मीनार के शिखर का निरीक्षण देखा तो 30 अंश मिल पाया। फिर उसने कार है ना 10 सेकंड चलाई, 10 सेकंड कार चलाने के बाद कार आ गई यहाँ पे। फिर उसने उन्नयन कोण देखा मीनार का, तो उन्नयन कोण है ना वो 10 सेकंड बाद 60 हो गया। तो ये कह रहा है कार मीनार के 60 का कोण मिला, तो कार मीनार की ओर चले के बाद ड्राइवर ने मीनार के कार तो कार की चाल पूछी है, और ये यहाँ से ये 30 सेकंड में मान लो यहाँ आ जाएगी, और ये कुल दूरी दे रखी है 500 मीटर। तो ये मानिया ए और यहाँ माना बी और ये सी और ये डी। एक बार फिर देख लो, वो कह रहा है एक सड़क पे कार यहाँ है, इससे मीनार के आधार से 500 मीटर दूर, तो यहाँ से मीनार का शिखर का उन्नयन कोण 30 है। फिर उसने कार है ना मीनार की साइड में 10 सेकंड चलाई, 10 सेकंड चलाने के बाद फिर रुक के उसने मीनार का उन्नयन कोण देखा तो 60 था, तो कह रहा है इस कार की चाल बताओ। ठीक है, तो ये 10 सेकंड में यहाँ पहुँची है, और तो ये इसको मान लिया हमने टी समय, ये कुल दूरी ये है और मीनार की ऊंचाई है ना एच मान लो। देखो जब चाल निकालते हैं तो चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, तो हमें ये टी मालूम पड़ जाए, कुल दूरी ये है कुल समय ये हो जाएगा, तो चाल बराबर दूरी बटे समय करके उससे निकाल देंगे। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, हमें निकालना कहाँ है, क्या है हमें निकालना है मीनार की वो कार की चाल। तो यहाँ देखो कुल दूरी कार से, कार के इस सिरे से मीनार की दूरी, तो कुल दूरी हमारे पास है 500 मीटर और कुल समय क्या होगा, माना कुल समय होगा यहाँ से यहाँ तक का, तो 10 प्लस टी, तो ये हो जाएगा 10 प्लस टी सेकंड। तो हमें टी का मान चाहिए, तो पहला आपने पहले तो इस वाले त्रिभुज को मानोगे छोटे वाले को, छोटे वाले त्रिभुज का मान उठा के बड़े वाले त्रिभुज में लगाती है, तो पहले इस छोटे वाले त्रिभुज में देखोगे फिर ये बड़ा वाला लोगे। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं त्रिभुज बी सी डी में, बी सी डी में टेन 60 बराबर एच बटे टी, ये हो जाएगा टेन 60 बराबर लंब बटे आधार, टेन होता है लंब बटे आधार यहाँ से, तो ज़्यादातर टेन ही आता है, तो इसका अंडर टेन 60 का मान अंडर रूट 3, लंब है यहाँ पे एच और आधार है हमारे पास टी, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे तो एच बराबर आएगा अंडर रूट 3 टी, ये आया हमारे एच का मान। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए दूसरा त्रिभुज, त्रिभुज ए सी डी बड़े वाले त्रिभुज में, त्रिभुज ए सी डी में तो यहाँ देखिए ये 10 30 है, इसमें लंब ये आधार यहाँ से यहाँ तक होगा, जहाँ तक का कोण होता है वहाँ तक, मीनार के आधार से यहाँ तक की दूरी आधार होगी, तो ये है लंब बटे आधार, तो 10 30 का मान 1/√3 और लंब है यहाँ पे एच और आधार है हमारे पास 10 प्लस टी, तो ऐसे ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा अंडर रूट 3H बराबर 10 प्लस टी, ये दूसरा आया समीकरण। अब यहाँ से देखिए समीकरण एक से मान उठा के दो में लगाना है, मैंने आपको कहा था समीकरण बनाना आपको पहले चित्र बनाना, संख्या पढ़ पढ़ के चित्र बनाना सीखो, और दो समीकरण होते हैं छोटे वाले त्रिभुज के मान को उठा के बड़े वाले त्रिभुज में रह लगाते हैं। तो अब इसके बाद में समीकरण एक से एच का मान समीकरण दो में रखो, क्योंकि एच की तो हमें ज़रूरत है ही नहीं, हमें टी चाहिए। तो समीकरण एक से
एच का मान 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 को उतार लो पहले, अंडर रूट 3h बराबर 10 प्लस टी, और यहाँ पे h बराबर है अंडर रूट 3t, यहाँ लगा दो तो ये आएगा अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3t बराबर 10 प्लस टी। तो अंडर रूट 3 का गुणा 3 आया 3t, और ये t इधर ले आओ तो माइनस हो जाएगा बराबर 10, तो 2t बराबर 10, तो टी बराबर आएगा 10/2, 5 सेकंड आया ये वाला टी का मान। तो कुल इसमें समय क्या हो जाएगा, कुल समय है हमारे पास ये था 10 प्लस टी, तो ये हो जाएगा 10 और 5 15 कुल समय आया, और कुल दूरी हमें दे रखी है 500 मीटर। तो चाल बराबर दूरी बटे समय सूत्र लगा दो, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो दूरी कुल दूरी है 500 और समय है 15, तो 5 से काट लो, 5 से 3 बार और 5 से ये 100 बार, तो 3 का भाग लगाएंगे तो ये हो जाएगा 33.3, इतना क्या आएगा मीटर प्रति सेकंड, चाल है ना मीटर प्रति सेकंड में आएगी क्योंकि दूरी मीटर में और समय सेकंड में, तो ये आएगा चाल बराबर 33.3 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है ना। अब इसके बाद में आगे क्वेश्चन हमें बताना है, इसके बाद उदाहरण है ना, आगे वाला उदाहरण देखो, उदाहरण 6। उदाहरण 6 क्या कहता है, क्वेश्चन को अच्छी तरह से पहले देखा करो फिर उसके बाद सवाल किया करो। उदाहरण 6 है हमारे पास, अच्छी तरह से समझो। उदाहरण 6, एक मीनार के आधार से ए और बी दूरी पर एक ही रेखा पर स्थित दो बिंदु सी तथा डी से देखने पर मीनार के उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक हैं। देखो ये मीनार है, ये है मीनार, और मीनार के आधार से ए और बी की दूरी पर सी और डी है, ये सी है और ये डी है। मीनार के आधार से ए और बी दूरी पर सी और डी बिंदु हैं, ये है ना ए है यहाँ से यहाँ तक की दूरी, और ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी है बी, और यहाँ से सी और डी से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। पूरक का मतलब इसका और इसका दोनों का टोटल है ना, वो 90° होगा, पूरक या कोटिपूरक, ठीक है। तो मान लो इसको आप थीटा मानोगे तो इसको 90 - थीटा मानोगे, या इसको थीटा मान लो इसको 90 - थीटा मान लो, ठीक है ना। तो वो कह रहा है सिद्ध करो मीनार की ऊंचाई है ना अंडर रूट ए बी है, ये क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, सी डी और इसको मान लो ई और इसको मान लो एफ। अब देखिए हमें निकालना क्या है इसमें, मीनार की ऊंचाई, तो यहाँ जो निकालना है वो लिखेंगे, माना मीनार की ऊंचाई बराबर एच मीटर है, मीटर नहीं दे रखा है एच ही लिख लो क्योंकि ये तो ए बी है, तो एच ही लिखो, मीटर फीटर की हमें मालूम नहीं है, उसमें दे ही नहीं रखा। अब इसके बाद में देखो, पहले ये छोटा वाला त्रिभुज ले रहे हैं, त्रिभुज डी ई एफ में, डी ई और एफ में, डी ई एफ में ये होगा टेन 90 - थीटा, ये एच बटे बी, और टेन 90 - थीटा कल हमने बताया था ये कॉट थीटा होता है, तो ये आएगा एच बटे बी, और कॉट को टेन में भी कन्वर्ट कर लो क्योंकि यहाँ पे टेन आएगा, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1/10, ये एच बटे बी, और टेन का करेंगे मान लो इससे टेन थीटा बराबर क्या होगा,
टेन थीटा बराबर करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, क्योंकि ये भी वन अपॉन में है तो बी अपॉन एच हो जाएगा ये। तो ये पहला समीकरण बनेगा, ठीक है। अब सेकंड वाला देखिए, इस त्रिभुज में, त्रिभुज सी ई एफ में अगर ये त्रिभुज मानेंगे तो यहाँ से आधार तक लेंगे मीनार के आधार तक, और ये त्रिभुज ये है ना, तो ये मीनार के आधार तक यहाँ से ये वाला नहीं लेंगे, समकोण होना चाहिए। तो त्रिभुज सी ई एफ में, सी ई एफ में क्या होगा, यहाँ से टेन थीटा बराबर लंब ये है और आधार यहाँ से यहाँ तक ए है, तो एच बटे ए हो जाएगा। ये समीकरण दो बना, समीकरण एक और दो है ना, समीकरण एक और दो से ये भी टेन थीटा बराबर है, ये भी टेन थीटा बराबर है, तो ये बराबर ये हो जाएगा। यहाँ लिख दो समीकरण एक तथा दो से, समीकरण एक दो से देखेंगे तो ये भी टेन का मान है और ये भी टेन का मान है, तो ये बराबर ये, तो ये आएगा बी बटे एच बराबर एच बटे ए। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एच स्क्वायर बराबर ए बी होगा, और दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे, दोनों पक्षों का वर्गमूल लिया तो ये एच बराबर हो जाएगा अंडर रूट ए बी। तो यही हमें सिद्ध करना था, सिद्ध करो मीनार की ऊंचाई अंडर रूट ए बी है, तो लिख दो अतः मीनार की ऊंचाई बराबर मीनार की ऊंचाई एच बराबर ये होगा अंडर रूट ए बी। ऐसे आपको ये क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो अब इसके आगे का क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट। अब आपको इसमें एक्सरसाइज ये